दोस्तों वेलकम बैक टू एप्स अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसी एंड्रॉयड फ़ोन में एक साथ चार स्क्रीन एक साथ आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कोई भी देख के चौंक जाएगा, हैरान हो जाएगा कि एक ही साथ में चार स्क्रीन एक फ़ोन में कैसे चला सकते हो। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूँ आपका ही इसी यूट्यूब चैनल एप्स अपडेट में। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई आसिफ। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरे फ़ोन में पहला है ये गैलरी, जो कि गैलरी खोल के आ चुके हैं, जैसे कि गैलरी यहाँ पे खोल रहा है, और दूसरा है डायलर, जो कि एक ही स्क्रीन में चार चार स्क्रीन कैसे यूज़ कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे डायलर, अगर कोई भी नंबर डायल करूँगा, डायल करके कॉल करूँगा तो कॉल लग जाएगा। फिर आता है यहाँ पर फेसबुक, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये ऑनलाइन में फेसबुक अगर लॉगिन करूँगा तो लॉगिन हो जाएगा। फिर आता है म्यूज़िक प्लेयर, मतलब आपको जो मन चाहे एक ही टाइम में जितना चाहो आप उतना एप्लीकेशन एक ही बार में यूज़ कर सकते हो। मतलब ये एक ऐसी ऐप है जो मतलब आपको चौंकाने वाला है कि आपके एक ही स्क्रीन में चार चार स्क्रीन एक टाइम में यूज़ कर सकते हो। और ये अगर आप चाहते हो आप भी करने के लिए आपके फ़ोन में, तो आपको करना क्या होगा, जो वीडियो देख रहे हो आपको इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ बेल आएगा ऑल वाला बेल पे आपको दबा के रख देना है। और जो वीडियो देख रहे हो ना, सिंपली नीचे यहाँ पे ऐड पब्लिक कमेंट आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक प्यारा सा कमेंट कर देना है यहाँ पे नाइस ऐप करके, ठीक है। जैसे ये कमेंट कर दोगे नाइस ऐप तो कमेंट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको करना क्या होगा, ये स्क्रीन जो है एक ही साथ में एक टाइम में चार स्क्रीन यूज़ करने के लिए सिंपली जो वीडियो देख रहे हो वीडियो के टाइटल में क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जो ऐप लिंक है यहाँ से इस ऐप को आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको बस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप पहली बार इस ऐप को इंस्टॉल करोगे, इस तरफ से ये ऐप ओपन होता है, और ऐप जैसे ओपन होगा इस तरफ से आता है, फिर इस तरफ से नेक्स्ट इसमें क्लिक करना है, फिर ग्रेंट नाउ इसमें क्लिक कर देना है, फिर अलाउ कर देना है, फिर यहाँ पे भी नेसेसरी फॉर शोइंग फ्लोटिंग विंडो यहाँ पे अलाउ कर देना है। ग्रेंट कर देने के बाद इस तरफ से क्लोज आता है, जो कि यहाँ पे देखना फिर इस तरफ से ये हो जाएगा। फिर आपको मिनिमाइज़ कर लेना है, और मिनिमाइज़ कर लेने के बाद देखो आपकी स्क्रीन के कॉर्नर पर इस तरफ से एक ये ऑप्शन आ जाता है, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये देख सकते हो ये आ चुके हैं। तो आपको करना क्या होगा, इसको यहीं पे रहने दो, फिर यहाँ पे बस इसमें क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करोगे तो इस तरफ से आपके पास जितना भी एप्लीकेशन है आ जाएगा। जैसे मैं पहले फेसबुक क्लिक करता हूँ, फेसबुक पे क्लिक किया तो देखो ये फेसबुक का एक विंडो आ चुका है। तो इस ये जो फेसबुक है ये फेसबुक का विंडो है, और इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसमें क्लिक करोगे तो ये फेसबुक का इस तरह से बबल की तरफ आ जाएगा, देख सकते हो। फिर यहाँ पे फेसबुक आ गया, फिर इसमें क्लिक करोगे, ये ऑप्शन में क्लिक करोगे तो इसमें क्लिक करने के साथ साथ और भी आता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब। अगर मैं अभी यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ तो यूट्यूब ओपन हो गया, ये देखो फेसबुक, फिर यूट्यूब। फिर अगर मैं फिर से इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फिर फ़ोन डायलर है, फ़ोन डायलर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो फ़ोन डायलर अलाउ, ये देखो फ़ोन डायलर आ गया, ठीक है, ये तीन स्क्रीन आ गया। फिर से इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फिर जो मन चाहे आप वही लगा सकते हो। जैसे कि अभी मैं इमेज व्यूअर पे क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पे ये देखो मेरा गैलरी खुल चुके हैं, जैसे कि ये देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर आपके सामने देख लो, एक स्क्रीन, दो स्क्रीन, तीन स्क्रीन, चार स्क्रीन, आप यही नहीं आप जितनी मर्जी उतनी स्क्रीन एक टाइम में चला सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ये पिक्सर, यहाँ पे पिक्सर को इस साइड पे रख देता हूँ, और इसको यहाँ से आप इसमें क्लिक करके कम ज़्यादा कर सकते हो, जो कि यहाँ पे इतना रख देता हूँ। फिर ये हो गया डायलर, और इस डायलर को इस कॉर्नर पे रख देता हूँ, और ये हो गया यूट्यूब, जैसे कि ये देखो यूट्यूब भी प्ले हो गया है, और यहाँ पे ये देखो देख सकते हो। फिर यहाँ पर इसको नीचे करके यूट्यूब पर क्लिक करता हूँ, यूट्यूब पर क्लिक करने के साथ साथ ये देखो यूट्यूब आया है, तो इसको बैक कर लेता हूँ, और ये देखो छोटा सा स्क्रीन में यूट्यूब भी ओपन हो रहा है, ठीक है। और इस यूट्यूब को ऊपर लेके चला जाता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ, और ये देखो यूट्यूब को ऊपर लाया, और ये फेसबुक, ये देखो फेसबुक को इधर रख दिया, और ये गैलरी जो मेरे फ़ोन में गैलरी है, जैसे फ़ोटो है देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ आ चुके हैं। और यहाँ पे इसके साथ साथ ये फेसबुक है, जैसे कि ये फेसबुक आ गया, तो एक ही टाइम में चार चार स्क्रीन आप इस तरफ से इस ऐप की मदद से यूज़ कर सकते हो। जो कि यूट्यूब में आप अगर आप यहाँ पर कोई भी सॉन्ग वगैरह देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो कोई भी सॉन्ग प्ले कर लेना है, बस सॉन्ग प्ले हो जाएगा, कोई भी आपको यहाँ पर इस तरफ से पैसा नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्री ऐप है, ठीक है। और ये देखो सॉन्ग भी बज रहा है, देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से सॉन्ग बजा रहे हो, सॉन्ग बजेगा, फिर इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो एक टाइम में, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको हटा सकते हो इस तरफ से, आपको जितने मर्जी उतना स्क्रीन एक साथ में यूज़ कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है, तो इस ऐप का लिंक दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया।
तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव प्रूफ के साथ दिखाया, तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी कर लो और उसके साथ जो ऑल वाला बेल है उस पर भी दबा के रख देना। और दोस्तों अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और जो भी सवाल करना है आप हमें इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो। जय हिंद।